गाजियाबाद जिले के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। दरअसल आपको बता दें कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे ने बताया कि 3 साल से रेलवे कर्मचारियों की समस्याएं लंबित पड़ी हैं। कई बार रेलवे के अधिकारियों को बताने के बावजूद भी आज भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। आज नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने इन सभी समस्याओं को लेकर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। यूनियन की मांग की कि यदि रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो यूनियन एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी। दरअसल नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने हमेशा रेलवे को आगे बढ़ाने के साथ रेल प्रशासन की हर संभव मदद की है, मगर आज रेलवे कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लगातार यूनियन कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर रेलवे अधिकारियों को बताने का काम करता है, मगर आज भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से मुरादाबाद के रेल प्रशासन के आला अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र से शीघ्र कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। किस चीज़ का धरना चल रहा है? देखिए, धरना जो है ये कर्मचारियों की जो अपनी मांगे हैं उनको लेकर है। ये वो मांगे हैं जो आपने जो देखा था कोरोना काल से जो रेल का संचालन जिस प्रकार से प्रभावित हुआ है, और उसको चलाने के लिए उस प्रभावित को सक्रिय करने के लिए जो कर्मचारियों ने हमारे दिन रात मेहनत करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सेवाएँ देते हुए यात्रियों को पहुँचाने का काम किया। स्वाभाविक सी बात है कि जब कर्मचारी मेहनत करता है तो उसको उसका पारितोषिक भी चाहिए। उसका पारितोषिक क्या है? उसके मकानों की सही व्यवस्था हो, उसको टाइमली छुट्टियां मिल जाएं, उसको इलाज सही मिले, और ऐसी तमाम चीज़ें जो कि उसको प्रमोशन से रहकर चीज़ें समय समय पर चाहिए। उन लोगों को ले ये सारी तकलीफें थी जिनको लेकर प्रशासन से हम लगातार संपर्क कर रहे थे। कई लोगों के अनियमित ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं बिना किसी पॉलिसी के, बिना किसी नियम के। उन्हीं चीज़ों को लेकर प्रशासन से जब वार्ता की जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो वार्ता विफल होती है और उसमें कर्मचारियों की बातों को नहीं सुना जाता है तो एक आक्रोश का माहौल बनता है। उसी आक्रोश को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों ने निर्णय लिया कि हम एक दिवसीय सांकेतिक धरना मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर लगाएंगे और अपनी बात को रेलवे बोर्ड तक, हेडक्वार्टर तक, प्रेस मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, एलआईयू इंटेलिजेंस के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनको गंभीरता से लेते हुए जो अधिकारी अपनी आंखें बंद करके सो रहे हैं उनकी आंखों को खोलने का काम किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये धरना इस मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के बाहर गेट पर देने का काम 5 शाखाओं द्वारा हुआ है, और मुरादाबाद मंडल की 5 शाखाओं का ही नहीं, लोकल की, इसके अलावा मुरादाबाद मंडल के 18 जो शाखाएं हैं वो भी अपनी अपनी जगहों पर देहरादून से लेकर बालामऊ तक कर रही हैं इसी एक दिवसीय धरने के तौर पर। देखिए, मैंने भी आपको बताया कि ये सांकेतिक धरना अपनी जायज मांगों को लेकर, अगर प्रशासन इसको गंभीरता से लेगा, मुख्य मांगे क्या है, समाधान करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये धरना आगे नहीं बढ़ेगा। अगर होगा तो इसको आगे भी चलाएंगे। जो मुख्य मांग की बात है, मुख्य मांगों में जैसे अभी कर्मचारियों की रिस्ट्रक्चरिंग होती है, उस रिस्ट्रक्चरिंग में उनका पूरा प्रमोशन का, उनके करियर का मामला होता है, उसको भी काफ़ी शिथिलता से लिया जा रहा है काफ़ी सालों से। कुछ इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिक की भी है। मुख्य मांगों में हमारी एक मांग ये भी है कि जो कर्मचारी सीनियर है, जो जूनियर है, उन सीनियरिटी और जूनियरिटी को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण ट्रांसफ़र किए जाएं। उनकी चार्जशीटें जो बेबात दी जाती हैं उनको ध्यान रखा जाए, और इस तरह की तमाम हमारी समस्याएं हैं। जो ट्रैकमैन हमारे साथी हैं, काम कर रहे हैं, उनको 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, और 12-12 घंटे काम लिए जाने के बावजूद भी उनको ना तो टाइमली रेस्ट मिलते हैं, ना छुट्टियाँ मिलती हैं। उनका जो शोषण हो रहा है वो बंद हो और उनको 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए। अगर 8 घंटे से अधिक ले रहे हैं आप तो 2 दिन का उनको रेस्ट दिया जाए। इस तरह की तमाम हमारी 24 सूत्रीय डिमांड है जो इस बैनर के तले हमने रखने का काम किया है, और वो आप लोगों को भी हम प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद।